हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वप्निल करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 22 फरवरी 2018 को केवीएस का जो एग्जाम हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का, उससे रिलेटेड कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे पास, तो वही डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम पैटर्न में भी कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हुआ ये है कि हिंदी और इंग्लिश का जो सेक्शन था, जो 40 नंबर्स का, वो एज इट इज प्रॉपरली चल रहा था। मतलब 20 क्वेश्चंस रेगुलर थे इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन रेगुलर थे हिंदी के। बट जब आप जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर या रीजनिंग या मैथ्स, जब आप 60 मार्क्स वाला जो पोर्शन स्टार्ट होता है, वहां पे क्वेश्चन जो है आपको रैंडमली पूछे जा रहे हैं, सीरीज में नहीं है। मतलब 15 क्वेश्चन पहले आपके जनरल अवेयरनेस के नहीं आएंगे, वो रैंडमली आ रहे हैं। एक क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज का, उसके बाद कंप्यूटर का पूछ लेगा, हो सकता है उसके बाद में मैथ्स आ जाए, या हो सकता है उसके बाद में आपको रीजनिंग का सवाल पूछ ले। तो जो पहले हो रहा था 19, 20, 21 तारीख को, वो 22 तारीख को नहीं हुआ। तो 22 तारीख में जो है वो उसने आगे पीछे कर दिया है सवालों को, ठीक है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओडिशा चित्र शैली किससे संबंधित है, तो इससे कुछ रिलेटेड कुछ ऑप्शन थे, डिफरेंट ऑप्शन थे। बट अभी मैंने गूगल किया है तो गूगल से पता चला है कि पट्ट चित्रकला करके है, जो ओडिशा चित्र शैली का संबंध पट्ट चित्रकला से है, ठीक है। तो फ्लावर गार्डन कहाँ स्थित है, तो फ्लावर गार्डन स्थित है उत्तराखंड में। खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। क्रिप्टो करेंसी का संबंध किस कंपनी से है, तो इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस वहां पे थे, जैसे कि टाटा ग्रुप था, महिंद्रा ग्रुप था और रिलायंस जियो, इस टाइप से ऑप्शन थे। तो रिलायंस जियो इसका करेक्ट आंसर है। पंचायती राज संविधान के किस भाग में आता है, तो पंचायती राज संविधान के 11वें भाग में आता है, ये उसका करेक्ट आंसर होगा। इनकम टैक्स एक्ट कब पारित हुआ, तो इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 1961 में पारित हुआ। वहां पे ऑप्शन थे 1951, 61, 71, 81, ठीक है। तो ऑनलाइन फंड संग्रहण को क्या कहा जाता है, तो ऑनलाइन फंड संग्रहण को कहा जाता है क्राउड फंडिंग। वहां पे क्लाउड फंडिंग भी था एक, बट वो क्लाउड फंडिंग नहीं है, वो क्राउड फंडिंग है, ठीक है। और गोल्ड का रासायनिक सिंबल क्या होता है, तो गोल्ड का रासायनिक सिंबल होता है AU। इस टाइप से क्वेश्चन थे। इसके अलावा भी और कुछ क्वेश्चन थे, इसके अलावा हिस्ट्री से भी कुछ दो क्वेश्चन थे जो काफी कॉम्प्लिकेटेड थे। अगर कहा जाए 22 फरवरी 2018 का जो केवीएस एलडीसी का मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है, उसमें टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चंस है वो हो सकता है कल भी और टफ पूछे जाए, कुछ बता नहीं सकते हैं। आप कितना भी पढ़ के जाओगे तब भी क्वेश्चंस कहीं से भी कुछ भी पूछ रहा है वो, ठीक है। बट इतना पक्का है कि आपको संविधान से एक क्वेश्चन तो बन रहा है, एक या दो क्वेश्चन, और साइंस से और ज्योग्राफी से और हिस्ट्री से आपको सारा कुछ वो पूछ रहा है। खेल से तो मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं कि खेल से जो है वो सवाल आपका बन ही रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में यहाँ पे एमएस एक्सेल के दो फॉर्मूला यहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको फॉर्मूलाज करके जाना है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, और जो पहली जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन जो थी कंप्यूटर की, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, काफी बड़ा क्वेश्चन था, उसमें चार बड़े बड़े ऑप्शन थे, तो वो आपको आंसर देना था। इसके अलावा लॉन्ग फॉर्म आया था, एक पीडीएफ का लॉन्ग फॉर्म आया था, उसका आपको आंसर देना था। उसके अलावा शॉर्ट कीज आपको पूछ रहे थे, उसके बाद में जो है फाइल एक्सटेंशन था, डॉक का जो एक्सटेंशन क्या होता है उस टाइप से, और बेसिक जो थे वो प्रैक्टिकल जो आप करते हो, आप जो सॉल्व करते हो, जो यूज करते हो कंप्यूटर घर पे या लैपटॉप यूज करते हो, तो उसमें जो शॉर्ट कीज यूज होते हैं, आप जो यूज करते हो, तो मिनिमाइज वगैरह मैक्सिमाइज क्या होता है, तो उस टाइप से आपको कंप्यूटर के सवाल यहाँ पे देखने को मिले हैं। मैथ्स की अगर बात करेंगे तो मैथ्स में कोई भी डिफरेंस नहीं था, बट यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सवाल था वो काफी टफ यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन यहाँ पे था कि दो आपको क्वांटिटीज दी गई है, एक पानी है एक जार में और उसमें कुछ लिक्विड शराब वगैरह है, तो उसमें अगर पानी के परसेंटेज बढ़ा दिया जाए तो फिर उसके परसेंटेज में कितना उसका डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो उस टाइप से सवाल है, नॉर्मल थे, बट कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो है डिफिकल्ट होते हुए भी आपको दिखेंगे, ठीक है। तो टाइम एंड डिस्टेंस के पक्के में दो सवाल तो आ ही रहे हैं, टाइम एंड वर्क के भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के भी आपको एक बेसिक और एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और बाकी तो एज के ऊपर आपको सवाल आ ही रहे हैं। ये जो टॉपिक है इसको आपको करके ही जाना है। आप अगर एग्जाम देके आओगे उसके बाद में कमेंट करिए मुझे कि मैंने जैसे बताया है जो वो आया है या नहीं आया है, ठीक है। अगर रीजनिंग की बात करेंगे 22 फरवरी को क्या चेंज हुआ है, तो रीजनिंग में चेंज हुआ है कि यहाँ पे लीनर अरेंजमेंट पूछा जा रहा है एक नंबर का, ठीक है। एक छह लोग बैठे हैं और उसमें कौन लास्ट में बैठा हुआ है या कौन बीच में बैठा हुआ है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा आपका। और उसके अलावा सीरीज यहाँ पूछी गई है, सीरीज यहाँ पे दो पूछी गई है एक्चुअली, तो सीरीज के दो क्वेश्चन थे जो थोड़े से टफ आप उसको बोल सकते हो। एक क्वेश्चन था जिसमें वन दिया हुआ था, फिर कॉमा, फिर एट दिया हुआ था, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, उसके बाद में 1024 दिया हुआ था, और उसके बाद में एक डिजिट और था, एक 32 का स्क्वायर होता है और एक 125 का स्क्वायर दिया हुआ था। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन था,
तो मैं अगर हो सके तो उसको कमेंट बॉक्स में वो सीरीज जो थी वो मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो अल्फाबेट या नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे आपको पूछ ही रहा है, तो रीजनिंग में आप मैक्सिमम मार्क्स लीजिए। और अगर कौन सा सब्जेक्ट छूटा अपना हिंदी, अगर हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी एज इट इज था, हिंदी में कुछ भी चेंजेस यहाँ पे नहीं किया गया है, ठीक है। और अगर बात करेंगे इंग्लिश की तो इंग्लिश भी एज इट इज है। हाँ, इंग्लिश में एक चेंजेस ये देखने को मिला आज 22 तारीख को कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, जो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, बाकी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। और करेक्ट स्पेलिंग जो है उसमें उसने कर दिया है कि विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है, तो वो आपको इस टाइप से करना होगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।